ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी भगवान के अधिकारी बच्चे हैं। जरा ख्याल करें, कितनी ऊंची बात है ये। भगवान हमारा, हम उसके, जो कुछ उसका वो सब हमारा, उसकी सर्व संपत्तियों पर हमारा संपूर्ण अधिकार। ये बात हम कभी भूले नहीं, उसकी सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार, उसके संपूर्ण ज्ञान पर हमारा अधिकार, उसके गुणों पर हमारा अधिकार, स्वयं उस पर हमारा अधिकार, उनके वरदानों पर हमारा अधिकार। अधिकारपन को कभी भूले नहीं, ये नशा बहुत बड़ा नशा है संसार में। कोई राजा का भी बच्चा राजकुमार हो, उसे ये नेचुरल नशा रहता है कि मैं राजकुमार हूँ। वो कभी इसको भूलता नहीं, चाहे वो गलियों में घूमने जाता हो, चाहे वो खेलता हो, चाहे पढ़ता हो, चाहे कार्य करता हो। हम भी अपने अधिकारीपन को भूलेंगे नहीं। जीवन में परिस्थितियाँ आती रहती हैं। परिस्थितियाँ आए, हम केवल ये संकल्प करें कि ये पेपर है, इसमें क्वेश्चंस आए हैं, इसमें मुझे फुल मार्क्स लेने हैं, तो हर पेपर हमारी मार्क्स जमा कराने वाला हो जाएगा, हमें पीछे हटाने वाला नहीं। तो जो कुछ भी आए उसे पेपर समझो, और उसमें हमें अधिकतम मार्क्स प्राप्त करके फुल पास होना है, ये संकल्प कर लें। पेपर क्यों आ रहे हैं, बाबा का बनने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है, हमने तो सोचा था कि बाबा के बन गए बस, अब सब समस्याओं से विघ्नों से हम मुक्त हो जाएंगे, परंतु यहाँ तो और ही बढ़ गए हैं। ये सोच सोच कर आप स्वयं को परेशान न कर दें। जितनी परीक्षाएं होती हैं, होशियार स्टूडेंट तो परीक्षाओं का आह्वान करते हैं, परीक्षाएं आए तो हमें भी पता चले और लोग भी देखें हम कितने बुद्धिमान हैं। हमारे सामने भी परिस्थिति आए, परीक्षाएं आए तो माया भी देखे, हम भी देखें, संसार भी देखे हम कितने शक्तिशाली हैं, कि संसार में किसी को भी हमारी स्थिति बिगाड़ने की सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा याद रखते हुए हम चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेंगे। चारों सब्जेक्ट का बल ही एक साथ हमें परिस्थितियों को पार कराता है। अगर ज्ञान का बल होगा, अगर परिस्थितियों ने हमको ज्ञान को भुला दिया, तो परिस्थिति हम पर हावी हो जाएंगी। यदि हम परिस्थितियों में ये भी भूल गए कि हमारा साथी कौन है, तो ईश्वरीय मदद से हम वंचित रह जाएंगे। यदि हम ये भूल गए तीसरा सब्जेक्ट कि हमें तो साक्षी भाव की सीट पर बैठे रहना है, हमें तो अचल अडोल रहना है, परीक्षाएं तो आएंगी और चली जाएंगी, परंतु हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, तो परिस्थितियों को संभालने में हमें काफी बल मिल जाएगा। साथ ही सेवा में जब हम बहुत बिजी रहते हैं निष्काम भाव से, जब हम सच्चे दिल से अपने को निमित्त समझकर सेवा करते रहते हैं, तो सेवा का बल भी हमें परिस्थितियों से मुक्त रखता है। जो बहुत सोचते हैं, जो खाली रहते हैं, जो निगेटिव हो गए हैं, जो उदास और परेशान रहते हैं, समस्याएं उन पर ही भारी पड़ती हैं। लेकिन जो इस जीवन को खेल समझते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत हल्का रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, समस्याएं उनका साथ छोड़ जाती हैं। जब वो देखती हैं इनके साथ तो स्वयं भगवान है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे तीनों लोकों में जाने का। मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली सूक्ष्म लोक में, फरिश्ते रूप में हूँ,
बाबा ने अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगा दी है। फिर यहाँ से आत्मा बनकर चलेंगे परम धाम। अब मैं बाप समान हूँ, बाबा के वाइब्रेशंस के नीचे हूँ, उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं, फिर नीचे वापिस आ जाएंगे। ये ड्रिल घंटे में एक बार अवश्य करें। ओम शांति।